टॉपिक है वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक एडवांस टेक्निक है एक्सेल के अंदर, जिसके ज़रिए हम इसमें पढ़ेंगे बहुत सी मुख्तलिफ चीज़ें। कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहाँ यूज़ होती हैं, इसकी एग्जांपल्स हम देखेंगे, किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है, हम ये चीज़ देखेंगे। सो आगे अगर हम चलें तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, ये क्यों यूज़ होती है, इसका फीचर क्या है। तो ये एक स्प्रेड शीट जो हमारी एक्सेल की शीट होती है, ये इसका फीचर है जो हमें अलाउ करता है स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग के लिए सेल्स के ऊपर। किसी भी क्राइटेरिया के ऊपर अगर हमें स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग करनी है उस क्राइटेरिया के मुताबिक, तो हम कंडीशन फॉर्मेटिंग की हेल्प से वो कर सकते हैं। तो इट इज़ बेसिकली कलर बेस्ड फॉर्मेटिंग होती है टू हाईलाइट करने के लिए, किसी चीज़ को एम्फसाइज करने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए डाटा को, और इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड करने के लिए किसी स्प्रेडशीट के ऊपर। सो मेनली इसको हम बिग डाटा एनालिसिस के अंदर यूज़ करते हैं, सेल्स डाटा की एनालिसिस के अंदर यूज़ करते हैं, मार्केटिंग डाटा की एनालिसिस के अंदर यूज़ करते हैं, बहुत से हमारे जो KPIs हैं उनकी एनालिसिस के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। सो ये हमें हेल्प करती है बहुत सी डिसीजन लेने के लिए। अगर आप अपना बिजनेस रन करें तो ये आपको हेल्प करेगी बहुत से डिसीजन मेकिंग के लिए, और आपको विजुअल्स के ऊपर दिखाएगी, विद हेल्प ऑफ विजुअल हमें गाइड करेगी कि हम अपना डिसीजन कैसा ले सकते हैं। और यह हमें ये इस बात को समझने में भी हेल्प करती है कि हमारी डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन और वेरिएशन क्या है, कोई भी क्रिटिकल डाटा है उसकी वेरिएशन और डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो आगे चलते हैं, हम इसकी एग्जाम्पल्स अब देखते हैं। सो कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है वो बेसिकली बहुत सी जगह पे, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया, यूज़ होती है बिजनेस इंटेलिजेंस के अंदर, डाटा बिग डाटा के अंदर, डाटा एनालिसिस के अंदर, इसी तरीके से डाटा को किस तरीके से मैनेज किया जाता है इसके अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ है। सो हम चलते हैं अपनी सबसे पहली एग्जाम्पल की तरफ। अब दूसरा हमारे पास ये एक डाटा है, ठीक है, जिसमें नेम देख रहे हैं और डिफरेंट हमारे पास पर्सन है, इन पर्सनस की सेल्स का डाटा है ये हमारे पास। ठीक है, हमने क्या करना है, फाइंड द सेल्स पर्सन हु हैव जनरेटेड रेवेन्यू मोर देन 1000 रुपीज़। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने डाटा को सेलेक्ट करेंगे और हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग, अब देखें यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग डिफरेंट चीज़ें हैं, हाई सेल वैल्यूज, टॉप बॉटम डाटा बार्स, कलर आइकॉन, न्यू रूल क्रिएट और मैनेज रूल्स। तो अब हमें वो कह रहे हैं कि हमें हमने इसमें क्या फाइंड करना है, ऐसा पर्सन जिसकी रेवेन्यू 1000 से ज़्यादा हो, हमने ये फाइंड करना है। तो हम इसमें किस तरह करेंगे, सबसे पहले हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट करेंगे, हाईलाइट में जाके हम करेंगे ग्रेटर देन। अब जब हम ग्रेटर देन हम करेंगे, हमने पूरा सेलेक्ट करिए फिल द, अब इसके ऊपर आपने कलर कौन सा देना है, ठीक है, आपने रेड कलर देना है या लाइट रेड फिल देना है, ग्रीन कलर देना है, सेट से हम ग्रीन कलर का दे देते हैं वैल्यू। और यहाँ पे उसने फॉर्मेट सेल ग्रेटर देन, ग्रेटर देन में यहाँ पे हम अपनी अगर वैल्यू भी डाल दें 100, क्योंकि हमें 1000 से ऊपर चाहिए, तो हम जिसके बाद ओके करेंगे, जब ओके करेंगे तो हमारी ये देख रहे हैं वैल्यू वो हाईलाइटेड हो गई है। इसी तरह हम अपने रूल्स को मैनेज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा, मैनेज रूल में जाऊंगा, अब मैनेज रूल में जाऊंगा तो यहाँ पे वो बता रहा है ये वाला रूल ऑलरेडी अप्लाई हुआ हुआ है। इसी तरह अगर ऐसे हम हाईलाइट करें ग्रेट लेस देन के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे न्यू रूल के ऊपर। सो न्यू रूल के ऊपर जब हम जाएंगे, सो हम फाइंड ऑल द सेल्स ग्रेटर देन वैल्यू के ऊपर, सेल वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे आएगा लेस देन, लेस देन के ऊपर हम यहाँ पे 1000 लिख देंगे और फॉर्मेट हम डाल देंगे, जैसे इसको रेड कर देते हैं हम, और हम इसको ओके। अब ये रूल आ गया लेस देन वैल्यू और ग्रेटर वैल्यू, इसको जब मैं अप्लाई करूँगा तो आप देख रहे हैं इसके ऊपर, आप देख सकते हैं कि जो ग्रेटर देन है वो हमने उसको फाइंड कर लिया है, और इस तरह जो हमारी लेस देन है उसको भी हमने फाइंड कर लिया है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपनी दूसरी एग्जांपल की तरफ। हमारी दूसरी एग्जांपल है फॉर्मेटिंग द सेल यूजिंग 3 कलर स्केल। ये हमारे पास आपने डाटा है हमारे पास, ठीक है, और लेट से हम डाटा को सेट करते हैं, हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, और उसके बाद हमने जाएंगे यहाँ पे 3 कलर स्केल्स की तरफ। ये देखें 3 ये कलर स्केल्स है, इसमें अगर हम मोर रूल्स की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेट स्टाइल के अंदर 2 कलर स्केल भी है और 3 कलर स्केल भी है। 3 कलर स्केल में हम लोवेस्ट वैल्यू को लेट से ये वाला कलर दे देते हैं, पिंक कलर, परसेंटाइल को येलो और हाईएस्ट को ग्रीन। इसके बाद हमारा इस तरह का प्रव्यू होगा, हम ओके क्लिक करते हैं, तो अब ये देखें ये दिस इज़ आवर 3 कलर स्टाइल, यानी ग्रेटर वैल्यूज, लेस वैल्यूज और उसका जो परसेंटेज है उसके ऊपर कलर फिल हो गया। हम इसको मैनेज रूल्स भी कर सकते हैं, हम मैनेज रूल में जाते हैं,
और हम इस जगह पे एडिट भी कर सकते हैं, लेट्स से एडिट रूल, और यहाँ पे वैल्यू भी हम दे सकते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ कि 500 लोएस्ट वैल्यू परसेंटेज, अगर ये है जो भी हमारे पास नंबर हो लोएस्ट, तो इस जगह पे मैं नंबर की जगह वैल्यू भी, लेट्स से मैं इधर 500 कह देता हूँ, ठीक है, परसेंटेज जो है वही, और हाईएस्ट वैल्यू मैं कह देता हूँ 1000 नंबर, मैं यहाँ पे नंबर दे देता हूँ इस जगह पे 1000। सो अब मैं जब इसको ओके करूँगा, अप्लाई, ओके अप्लाई, तो आप ये देखें, आप अपने हिसाब से भी इसमें वैल्यूज़ को कलर और नंबर्स और ये सब चीज़ें इस तरीके से नंबरिंग और कलरिंग दे सकते हैं। तो बहुत इजी चीज़ें हैं एक्सेल, ये आप वो एक कहावत है ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो जितना आप एक्सेल के साथ खेलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतनी आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, उतना आप जो है आपको आप के लिए एक तरह का चीज़ें बेहतर होती जाएगी, आपकी उसके ऊपर हाथ खुलता जाएगा, आपकी ग्रिप आती जाएगी। सो अब अगर हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं, शीट 3 के ऊपर, अब इस एग्जांपल में हमने क्या करना है, रेवेन्यू ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू इन ग्रीन होना चाहिए, और रेवेन्यू लेस देन एवरेज रेवेन्यू, ठीक है, इसको हम कर देते हैं रेड, ये आपका रेड होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास वही डाटा है, हम डाटा को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाते हैं, और यहाँ पे हमारे पास जो जो भी यहाँ पे बॉटम, ठीक है, अबव एवरेज एंड बिलो एवरेज की देखें आप। सो अगर मैं अबव एवरेज में जाता हूँ, तो अब मैंने जो अबव ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू है, ठीक है, ग्रेटर देन एवरेज, तो उसको मैंने सेलेक्ट करना है ग्रीन के साथ, इसको मैंने ग्रीन के साथ सेलेक्ट कर दिया। इसी तरह मैंने बिलो को सेलेक्ट करना है, तो अगेन इधर यहाँ पे जाऊँगा, टॉप बॉटम रूल्स में बिलो एवरेज को सेलेक्ट करूँगा, बिलो एवरेज को, और मैंने यहाँ पे रेड के साथ इसको सेलेक्ट करना है, रेड टच के साथ, तो मैं अभी अप्लाई ओके। तो अब मेरे आप देख रहे हैं कि जो मेरा अबव एवरेज डाटा है वो रेड हो गया है, और बिलो एवरेज डाटा जो अबव है वो ग्रीन हो गया है, और बिलो जो है वो मेरा रेड हो चुका है। और अगर मैंने चेक करना है इस डाटा पर कितने रूल अप्लाई हैं, तो मैं मैनेज रूल पे जाऊंगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दो रूल्स इस जगह पे अप्लाई हुए हैं अबव। हम इन रूल्स को एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, और इसी डाटा के ऊपर हम न्यू रूल भी कोई अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और डिफरेंट किस्म के न्यू रूल्स हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है फॉर्मेट ऑल आ सेल, फॉर्मेट ओनली सेल्स डेट कॉन्टेन, फॉर्मेट ओनली टॉप और बॉटम रेट वैल्यू, फॉर्मेट ओनली वैल्यूज डेट आर अबव एंड बिलो द एवरेज, फॉर्मेट ओनली यूनिक और डुप्लीकेट, ठीक है, और यूज़ ऑफ फॉर्मेट टू डिटरमिन विच सेल्स टू फॉर्मेट। फॉर एग्जाम्पल अगर फ़र्ज़ करें मैं क्या करता हूँ, मुझे इनमें से किसी रूल की ज़रूरत नहीं है, मैं इस रूल को भी डिलीट कर देता हूँ और इस रूल को भी डिलीट कर देता हूँ, और मैं एक न्यू रूल इस पूरे डाटा पे मैं कहता हूँ कि फॉर्मेट ऑल द सेल डेट कॉन्टेन डेट कॉन्ट फॉर्मेट ओनली यूनिक, और अगर मैं चाहता हूँ इस पूरे डाटा के अंदर सिर्फ डुप्लीकेट वैल्यू हाईलाइट हो जाए और वो डार्क रेड से हो जाए, इस पूरे डाटा में डुप्लीकेट वैल्यू कौन सी है, तो मैंने इस तरह किया ओके, एंड देन ओके आई अप्लाई, लेट मी चेक मैनेज रोल। सो ठीक है, तो इस पूरे डाटा में कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है इस पूरे डाटा के अंदर, सो देर इज़ नो डुप्लीकेशन, ठीक है, तो इसलिए उसने हाईलाइट ही नहीं किया। इसी तरह अगर मैं कोई न्यू रूल करता हूँ, मैनेज रूल्स में जाता हूँ और मैं न्यू रूल लेके आता हूँ, ठीक है, और मैं चाहता हूँ फॉर्मेट द फॉर्मूला टू, मैं चाहता हूँ वही मैं यहाँ पे डुप्लीकेट का सिर्फ यूनिक आए, और मैं चाहता हूँ जो यूनिक है वो ग्रीन हो जाए, सो आई विल अप्लाई, ठीक है, तो एक्चुअली सिलेक्ट ही इतना हुआ था इसलिए इसी इतने के ऊपर होगा, अगर मैं ऐसा पूरा सिलेक्ट करूँगा तो वो यूनिक वैल्यू को हाईलाइट किया उसने, देखें ठीक है, और ये डुप्लीकेशन को उसने रहने दिया है 6.16, इसमें ये डुप्लीकेशन है। सो आई विल अगेन सिलेक्ट, आई विल गो टू मैनेज टूल्स, मैनेज टूल में जाके मैं इस जगह पे जो यूनिक है इसकी रेंज को दोबारा मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे पूरी इस रेंज लेता हूँ, सिलेक्शन की मैंने, ठीक है, और क्योंकि डुप्लीकेट का भी रूल अप्लाई हुआ है, ठीक है, और इसकी भी मैंने सिलेक्शन की पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक, सो आई विल लाए ओके। तो अब ये देखिए डुप्लीकेट हाईलाइट हो गई है, ठीक है, डुप्लीकेट भी हाईलाइट होगी और जो यूनिक वैल्यू है वो भी हाईलाइट होगी।
ये भी हम कर सकते हैं, और मैं यहाँ पे आप लोगों की मदद के लिए लिख भी देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, फॉर्मेट द सेल्स विद यूनिक एंड डुप्लीकेट वैल्यूज। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमने ये देखना है, इसके अंदर हमने क्या है, फाइंड द टॉप 10 एंड बॉटम 10 रेवेन्यूज। तो टॉप 10 एंड बॉटम 10 को हमने किस तरह करना है, इसी तरह इसको हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए और टॉप बॉटम रूल्स के अंदर गए। यहाँ पे आप देख रहे हैं टॉप 10, तो हम इसको टॉप 10 के साथ फिल कर लेते हैं, रेड कलर को टॉप 10 के साथ। और इसी तरह अगर हमने बॉटम 10 भी फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम गए बॉटम 10 और बॉटम 10 को हम ग्रीन सेव कर लेते हैं, आई नेट। सो दीज आर अवर बॉटम 10। और अगर कितने रूल्स रखें उसी तरह हम जाएंगे मैन्यू का। और अगर आपने किसी रूल को क्लियर करना है तो आप क्लियर रूल्स क्लियर भी कर सकते हैं, क्लियर फ्रॉम एंटायर शीट, तो ये एंटायर शीट से यहाँ पे जाके क्लियर भी हो सकते हैं, ठीक है। न्यू रूल, तो न्यू रूल में आप यहाँ पे जाएंगे, जो भी आपने रूल लगाना है वो आप कर लेंगे। सो बहुत ईजी है, टॉप 10 बॉटम 10 किस तरह होंगी, इसी तरह डिफरेंट यहाँ पे आपको दिए हुए हैं कि टॉप 10 परसेंटेज में या बॉटम 10 परसेंटेज या अबव एवरेज बिलो एवरेज। सो ये आपने सारा यहाँ से कर सकते हैं। और मोर रूल्स पे, मोर रूल्स में आपने खुद से कोई रूल अगर डिफाइन करने हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप खुद से आपने वैल्यूज़ देनी है यहाँ पे, तो वो भी आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, अपने अपनी KPI के अकॉर्डिंगली। सो नेक्स्ट शीट जो है उसमें हमने ग्रेडियंट फिल और फुलफिल। फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं, ये जनवरी है और हम ये देखना चाहते हैं कि कहाँ पे जो है ना रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा है और कहाँ पे रेवेन्यू डिक्रीज़ हो रहा है, किस हिसाब से डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम किस तरह करेंगे, इट्स को हम यहाँ पे मैं जनवरी का कॉलम सेलेक्ट करता हूँ, अगेन आई विल गो इनिशियल फॉर्मेटिंग, और यहाँ पे हम डेटा बार्स भी आपके सामने ये देखें, ग्रेडियंट फिल या फोन, ये डेटा बार्स हैं, ये देखें, अगर मैं एक की भी क्लिक करूँगा तो ये ग्रेडियंट फिल आ जाएगा, और सॉलिड फिल की जगह देखें सॉलिड फिल आ जाएगा। इसी तरह ग्रीन, ठीक है, ग्रीन रेड, इसी तरह जो भी आप करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये सारा सेलेक्ट करता हूँ और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूँ, डेटा बार्स में जाता हूँ, अगर मैंने ग्रेडियंट फिल करना है तो जो भी आपने कलर सेलेक्ट करना है आप कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पर येलो किया, इस तरह अगर मैं कोई और कलर सेलेक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, कलर स्केलिंग भी इसी के अंदर हो सकती है। और इसी तरह अगर मैं ये डेटा बार्स, और अगर सॉलिड फिल मैंने करना है तो इस सॉलिड फिल में चला जाऊँगा, ठीक है। तो ये इसी तरह तरीके से आप इसके जितना आप ज़्यादा डाटा के साथ खेलने की कोशिश करेंगे, उसको चेक करने की कोशिश करेंगे, जितना आप टाइम एक्सेप्ट देने के देंगे उतनी आपकी ग्रिप स्ट्रांग होती जाएगी और आपके काम के अंदर निखार आता जाएगा। इसी तरह ये कलर्स केज है, ये डेटा बार्स है, तो यहाँ पे आप जो भी मोर रूल्स के अंदर भी आप जा सकते हैं, फॉर्मेट ऑल द सेल्स इज आर टॉप रैंक, या चूज अ फार्मूला, आप कोई फार्मूला डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स से आपके पास कोई एवरेज का फार्मूला है, या आपके कोई CS का आपने फार्मूला डिफाइन किया हुआ है, या अगर आप कोई इंसेंटिव कैलकुलेट करने कर रहे हैं आपने उसका कोई फार्मूला डिफाइन किया हुआ, तो वो आप यहाँ फार्मूला डाल के जो उसकी वैल्यू बनती होगी उसको हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आप इट्स वेरी ईजी, आप इसको परफॉर्म बहुत आराम से कर सकते हैं। मुझे वैसे ज़ाती तौर पर जो है वो डाटा बार्स के अंदर ग्रेडियंट फेल ज़्यादा पसंद है, जिसमें आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती चीज़ों को दिखाया जाता है, ग्रेडियंट फेल मुझे एक्चुअली ये पसंद है इसमें। तो जो आपको पसंद हो आप वो कलर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट शीट के अंदर हम ये देखेंगे कि इंडिकेटर्स एंड हाउ टू क्रिएट एंड मैनेज रोल्स। सो इंडिकेटर्स बहुत आसान है, अगेन सेलेक्ट द डाटा, गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और यहाँ पे आइकॉन सेट, आइकॉन सेट में ये हमें बता देगा ये डायरेक्शंस के अंदर देखने, डिफरेंट डायरेक्शंस हमें गिवन है, तो यहाँ पे वो हमें ये बता देगा कि कौन सा आपका रेवेन्यू कहाँ पे बढ़ रहा है, कहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है यहाँ पे। तो आप ये वाला स्टाइल यूज़ कर सकते हैं, ये वाला स्टाइल भी यूज़ कर सकते हैं, आप ये शेप्स में स्टाइल यूज़ कर सकते हैं, ये डिफरेंट शेप्स आपको गिवन है, ठीक है, आप डिफरेंट इंडिकेटर्स गिवन है, रेटिंग्स गिवन है, रेटिंग्स स्टार्स ग्राफ की सूरत में गिवन है, ठीक है, ये वाला सेल्स की सूरत में गिवन है। तो आप इसमें जो भी जो इसमें आप आपको पसंद हो वो आप इसमें फिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं ये ट्राइंगल्स वाला अगर मैं देखता हूँ, ये ट्राइंगल्स वाला मेरे पास आ गया है, और अगर मैं इसमें मज़ीद मैनेज रूल्स में जाता हूँ और मैं मज़ीद न्यू रूल भी अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ अबव एंड बिलो वाला भी इसमें अप्लाई हो जाए। सो अबव को मैं रखता हूँ ग्रीन, हमने किया ओके, तो ओके, इसी तरह न्यू रूल मैं अप्लाई करता हूँ यहाँ पर, और मैं चाहता हूँ मेरे पास बिलो वाला भी आ जाए। सो बिलो, बिलो को मैंने किया रेड, लाइट रेड, ओके,
ओके अब मैं इन सब रूल्स को जब मैं अप्लाई करूँगा, अप्लाई ओके, तो अब ये देख रहे हैं, अब हर रूल को इकट्ठा भी अप्लाई कर सकते हैं, जिस तरह के से अभी मैंने अप्लाई आपको करके दिखाया कि सारे सेल्स हैं आपके पास और यहाँ के ऊपर आपने अबव को भी हाईलाइट कर लिया, बिलो को भी हाईलाइट कर लिया, और आपने वहाँ पे इंडिकेटर्स भी दे दिए हैं कि जो हाई है उसको आप ग्रीन दे दो और जो बिलो है उसको आप जो बिलो है उसको रेड दे दो। तो ये मज़ीद इसके ऊपर हम और एग्जांपल्स भी अभी करते हैं। अब जो हम यहाँ पे एग्जांपल करने जा रहे हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग की, वो है कि हम कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर फार्मूला का यूज़ करेंगे, और फार्मूला को यूज़ करने के बाद हमने करना क्या है, हमने हाईलाइट करना है उस कॉलम वैल्यू को। ठीक है, तो जैसे अब यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँ वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाए। मैं यहाँ लैपटॉप लिखूँ तो लैपटॉप हाईलाइट हो जाए, मैं यहाँ मोबाइल लिखूँ तो मोबाइल इस कॉलम के अंदर हाईलाइट हो जाए। तो ये हम कैसे करते हैं अभी मैं आपको सिखाता हूँ। तो अब आप देख रहे हैं मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, इस कॉलम को कंडीशन फॉर्मेटिंग पे जाता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ न्यू रूल। न्यू रूल में मैं लिखूँगा यूज़ फार्मूला टू डिटरमाइन द सेल फॉर्मेट, और मैं यहाँ पे फार्मूला टाइप करूँगा ये आपके सामने। सो अगर आप देखेंगे इक्वल टू, मैंने ये यहाँ पे मोबाइल को सेलेक्ट किया, मैं इन डॉलर साइंस को रिमूव कर दूँगा बिकॉज आई डोंट वांट रिलेटिव कंपैरिजन। सो फिर मैं यहाँ पे अगेन क्लिक और इसको सेलेक्ट करूँगा। सो देन आई विल फॉर्मेट जिसका जो कलर मुझे चाहिए मैं उस वो कलर सेलेक्ट करूँगा, एंड देन अप्लाई ओके, देन इसको पे यहाँ पे ओके। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं, अब मैं यहाँ पे अगर लैपटॉप लिखता हूँ तो लैपटॉप हाईलाइट हो जाता है, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोबाइल मोबाइल एंटर, तो अब ये मोबाइल हाईलाइट हो जाता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ परफ्यूम्स एंटर, तो अब आप देख रहे हैं परफ्यूम हाईलाइट हो गया। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लैपटॉप मेरा लैपटॉप हाईलाइट हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब इसमें हमने क्या करना है, हाईलाइट द एंटायर रो, हमने उस एंटायर रो को हाईलाइट करना है। तो ये भी बहुत आसान है, सो सिमिलर तरीके से इसको भी हम परफॉर्म करेंगे। सो अब हम यहाँ पे देखेंगे आई विल हाईलाइट, मैं इस पूरे को यहाँ पे हाईलाइट करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा कंडीशन फॉर्मेटिंग में और मैं अप्लाई करूँगा न्यू रूल, और यहाँ पे अगेन यूज़ अ फार्मूला टू डिटरमाइन, और यहाँ पे अगेन सो आई विल हाईलाइट हेयर इक्वल टू का साइन डालूंगा और मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ मैं ये करूँगा, मैं इसको इस डॉलर साइन को यहाँ से हटा दूंगा। ये डॉलर साइन हटाने से क्या होगा कि मेरी जो ए फाइव है ये लॉक हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। मतलब मैं जो फाइव को पूरे को मैं पूरी रो को मैं जो हूँ ना हाईलाइट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ से फाइव के आगे से डॉलर साइन हटा दूंगा, ठीक है। और फिर देन आई विल क्लिक हेयर एंड एंटर इक्वल, और इक्वल करने के बाद मैं यहाँ पे ये वहाँ पे देन आई विल चूज़ द कलर हेयर, यहाँ से मैं कलर चूज़ करूँगा, मैं क्लिक करूँगा ओके एंड देन ओके। अब आप देख रहे हैं मेरा कैमरा हाईलाइट, पूरी रो हाईलाइट होगी। इस तरह अगर मैं यहाँ पे मोबाइल लिखता हूँ मोबाइल, तो पूरी रो मेरी हाईलाइट हो रही है, देख रहे हैं आप, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉस्मेटिक्स मैट्रिक्स, तो मेरी पूरी रो हाईलाइट होगी, ठीक है। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग की वो एग्जांपल है जो आप कर सकते हैं, यहाँ पर किसी भी रो को हाईलाइट कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ कर। इस अगर आपके पास भरे डाटा है तो आप उसको भी कर सकते हैं इसी तरीके से, ठीक है, फाइल कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सो अब हम अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब इस एग्जांपल में हम ये चाहते हैं कि हाईलाइट द कॉलम एंड रो एट द सेम टाइम, यानी अब मैं किसी भी कॉलम और रो को सेम टाइम पे हाईलाइट कर सकूं। जैसे अब ये मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट है और ये मेरे पास यहाँ पे कंट्रीज़ हैं लाइक पाकिस्तान चाइना इंडिया, और उनकी आगे हर प्रोडक्ट की प्राइस लिखी हुई है। तो ये आप देख रहे हैं कंट्री पाकिस्तान है और यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट कॉस्मेटिक्स सेलेक्ट किया। तो सबसे पहले हम वही करेंगे कि हम एक अगर रो को, जिस तरह हमने पिछली एग्जांपल में किया था कि हम एंटायर रो को हाईलाइट करते हैं, तो हम सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे सबसे पहले, ठीक है। सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, न्यू रूल, न्यू रूल में हम जाएंगे यूज़ फार्मूला टू डिटरमाइन, एंड देन हेयर अगेन आई विल सेलेक्ट दिस इक्वल
मैंने यहाँ पे किया और मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा ये पूरा जो है पूरी एंटायर रो जो है मेरी हाईलाइट हो, तो मैं यहाँ से जो हूँ टोनर सेंट को हटा दूँगा। ओके एंड देन इक्वल इक्वल, और फिर मैं ये चाह रहा हूँ सेम फार्मूला जो हमने पिछली बार में यूज़ किया हम वो सेम फार्मूला यूज़ करेंगे। अच्छा मैं इसको दे देता हूँ येलो कलर। ओके ठीक है, तो ये सेम फार्मूला जो मैंने पिछली शीट में यूज़ किया था अब वो ही मैंने यहाँ पे यूज़ किया। अब मैं चाहता हूँ मैं अपने इसके साथ साथ मेरी जो कॉलम्स हैं वो भी हाईलाइट हो। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ मेरा कॉलम भी हाईलाइट हो, तो कॉलम को हाईलाइट करने के लिए अगेन आई विल सेलेक्ट दिस डाटा, आई विल गो देयर एंड यहाँ पे मैं दोबारा न्यू रूल अप्लाई करता हूँ, यूज़ अ फार्मूला टू डिटरमाइन। अब जब मैंने न्यू रूल अप्लाई किया तो मैं यहाँ पे इक्वल साइन के साथ इक्वल टू, अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ ये। ओके अब मैं ये चाहता हूँ मेरा पूरा जो ये कॉलम है तो मैं यहाँ से डॉलर साइन हटाऊँगा। ओके मेरा पूरा कॉलम हाईलाइट होना चाहिए, तो उसके बाद मैं यहाँ से इक्वल करूँगा। इक्वल करने के बाद मैं जो हूँ इसको यहाँ पर इसको सेलेक्ट करूँगा। सो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा इसको मैं कर देता हूँ जो से रेड से कर देता हूँ, ओके कर लेता हूँ। तो अब ये देखें पाकिस्तान है लड़ो। इसी तरह लेट से अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ मोबाइल हो मेरा यहाँ पे, सो एंटर, अब मेरा मोबाइल, और मैं यहाँ पे जहाँ पे चाहता हूँ मेरा इंडिया हाईलाइट है, तो अब मेरे ये इधर हाईलाइट हो गया। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरा जी कैमरा हो हाईलाइट, कैमरा, सो ये देखें कैमरा हाईलाइट है। और अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि भाई मेरा चाइना हाईलाइट हो, मुझे चाइना की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मेरा चाइना हाईलाइट हो जाएगा। सो आज के लेक्चर में मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके मेरे लेक्चर समझ आ रहे होंगे, और आज के लेक्चर में इतना ही। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जो भी चीज़ें थी वो मैंने इस लेक्चर में पूरी कवर कर दी हैं। सो हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।